दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली होमगार्ड में जो फिजिकल होने हैं, जिसका इंतजार बच्चों को बहुत ज्यादा दिनों से था, तो वो इंतजार अब खत्म हो गया बेटा। दिल्ली होमगार्ड के फिजिकल जो है उसके लिए एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं, फिजिकल 20 अगस्त से हैं। एडमिट कार्ड अगर आप देखना चाहें तो बेटा ऐसा कुछ एडमिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है जो मुझे बच्चों ने भेजा है। इसके अंदर आपको रोल नंबर, आपकी जानकारी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या नहीं लेके जाने हैं, क्या कौन से काम करने हैं आपको पहले ज़रूरी, वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और दौड़ में क्या क्या होगा वो बातें भी होंगी। इसमें बेटा फ़ोटो आपको यहाँ पर अभी हाल ही की ताज़ा फ़ोटो लगा लेनी है यहाँ पर, और साइन का कॉलम है यहाँ पे, इस पर साइन आपने नहीं करने हैं अभी, ये आपको साइन करने हैं जहाँ फिजिकल होगा तब वहाँ पे अधिकारी के सामने। यहाँ पे फोटो आपको ऑलरेडी दिखाई देगी, फोटो और साइन, ठीक है। हाँ अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद, वजीराबाद जिसमें आपके दिल्ली पुलिस के फिजिकल हुए थे, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट हुआ था, उसी जगह वजीराबाद में आपका फिजिकल होना है। डेट आपकी यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे इस बच्चे की 21 अगस्त को है, 20 से स्टार्ट है, अलग अलग डेट को आपके चलेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपके फिजिकल है, इसमें जो दौड़ रहेगी, दौड़ के बाद आपका मापदंड, मापदंड में जो मापना है वो आपका बाद में होगा, ठीक है। दीपक आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एडमिट कार्ड का जो लिंक है, एडमिट कार्ड का, आप एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करें जो कि आपको फिजिकल देने के लिए चाहिएंगे, तो वो एडमिट कार्ड जो है वो आपको व्हाट्सएप चैनल नोटबुक एकेडमी का आप व्हाट्सएप पे ढूंढ सकते हैं चैनल में जाके, या व्हाट्सएप हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर मैं लिख देता हूँ, उस पे हम स्टेटस पे डाल देंगे ताकि आप बच्चे स्टेटस में जाके और उसमें देख के और क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर दिया, उसके बाद आपने फ़ोटो जो है वो एडमिट कार्ड पर लगाना है, ताज़ा फ़ोटो, और दो फोटो साथ में लेके जाना है, ठीक है। उन्होंने मांगी है, दो से ज़्यादा ही ले जाइएगा आप जाते टाइम। अच्छा, साइन की जहाँ तक बात है, एडमिट कार्ड पे अभी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अधिकारी के सामने करना है, फिजिकल देने जाओ तब। एज जो काउंट है वो इन्होंने कहा है फिजिकल के लिए क्राइटेरिया जो है कि एज काउंट आपको योग्य माना जाए फिजिकल के लिए या आपको निकाल दिया जाए, वो एज काउंट इन्होंने बोला, वैसे तो एज काफ़ी रखी है 40 साल, तो एज काउंट आपकी 1 जनवरी 2024 रखी है उन्होंने, उसके हिसाब से काउंट होगी। अच्छा, बाकी बातें क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़, एडमिट कार्ड आपको पता है लेके जाना ही होता है, 3 फोटो आप लेके जाइए कम से कम, ज़्यादा आपकी मर्जी है। अब आधार कार्ड ओरिजिनल, हाँ, आईडी आपकी पहचान के लिए होती है, वही आप डुप्लीकेट ले गए क्या फ़ायदा, डुप्लीकेट आईडी का तो कोई भरोसा नहीं, कोई भी तैयार कर लेता है आजकल कंप्यूटर में, ज़रूरी थोड़ी आपने फ़ोटो स्टेटी कराया हो, तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है अगर है आपके पास तो ले जाइए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं मांगा, इन्होंने कहा है कि बर्थ के लिए कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ आप, तो वो डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो ही जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, वो भी ले जाइएगा आप। इसके अलावा क्या नहीं लेके जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको कोई भी बैग, हथियार, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी है वहाँ पर, ये इन्होंने स्पष्ट मना किया है। लेके जाएँ तो अपना साथ ही साथ लेके जाएँ, उसको बाहर बैठा दें, उसके साथ सामान अपना रख देना है। दौड़ जो होगी बेटा वो चिप के माध्यम से होगी, चिप ही काउंट करेगी आपका समय, और उसमें समय काउंट कैसे होगा, आप जब जो लाइन होती है उसे पीछे खड़े होंगे, जैसे ही दौड़ने के लिए कहा जाएगा आप जब लाइन क्रॉस करेंगे ना, तब से ऑटोमेटिक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तब तक टाइम स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप लेट दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो टाइम आपका स्टार्ट उसमें नहीं होता है, क्रॉस करेंगे तभी होगा टाइम स्टार्ट। तो ऐसी कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, कहीं एकदम सोचते हैं कि सीटी बजाय उससे पहले ही मैं दौड़ पड़ूँ, नहीं, टाइम आपका स्टार्ट होना है जब आप पार करेंगे, लास्ट फिनिश लाइन पे जब आप पहुंचने वाले हो, तो धीरे नहीं पड़ना है आपने, बिल्कुल ये गलती कभी मत करना, आपको फिनिश लाइन पूरी स्पीड से ही, बिल्कुल आपको स्लो भी फिनिश लाइन के बाद होना है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम काउंट किया जाता है फिनिश लाइन को पार करेंगे तब तक, और यहाँ पे अगर आप धीरे हो गए तो इसमें हो सकता है कि आपका टाइम 2-4 सेकेंड आपको ज़्यादा लग जाए, उतने से आप फेल हो जाएँ। तो फिनिश लाइन तक आपने पूरा तेज़ दौड़ते रहना है, उसके बाद आप स्लो हो सकते हैं, होना ही है फिर तो। 1600 मीटर की दौड़ बेटा ये आपकी सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। हाँ, टाइम कम ज़्यादा है आपका, जो वुमेन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या जिनकी ज़्यादा एज है उनको टाइम ज़्यादा मिलेगा। मेल अगर हैं आप तो आपको टाइम रहेगा 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट। 30 साल वालों के लिए है ये 40 साल, ये 50 साल और ये एक्स सर्विसमैन के लिए। वैसे ही फीमेल जो हैं, फीमेल में जो
साल वाली, 30 तक, 40 तक, 50 तक, और ये एक्स सर्विसमैन या सीएपीएफ जो बीएसएफ वगैरह में पहले रही हैं उनके लिए है ये, ठीक है। अच्छा, इतनी ही बेटा जानकारी थी, मैंने टोटल आपको चीज़ें दिखा दी हैं। इसके अलावा अगर आप फिजिकल के साथ रिटर्न की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से तो वो सोने पे सुहागा रहेगा। रिटर्न की तैयारी के लिए आप नोटबुक एकेडमी, हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे एक कोर्स है हमारा दिल्ली होमगार्ड का, 400 रुपये उसकी फ़ीस है बेटा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल के साथ साथ अगर आप रिटर्न की तैयारी कर देंगे तो ठीक रहेंगे। रिटर्न के लिए जब एडमिट कार्ड आएंगे, जैसे अब आए हैं, आप फिजिकली की तैयारी तो कर सकते हैं एडमिट कार्ड आने पे, एडमिट कार्ड आने पे रिटर्न की तैयारी नहीं कर पाएंगे फिर। तो आप रिटर्न की तैयारी के लिए बेटा कम से कम आजकल के कंपटीशन के हिसाब से 6 महीने ईमानदारी से तैयारी को दीजिए, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई आपका डाउट है तो इस वीडियो के नीचे लिख दें। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और नोटबुक अकेडमी बेटा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इस पे यूट्यूब पे है, उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।